दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक वेब शूटर। और दोस्तों इस वेब शूटर की खास बात यह है कि इसमें हम लोग स्प्रिंग का यूज नहीं करने वाले दोस्तों, इसमें हम लोग रबर बैंड का यूज करने वाला है। और दोस्तों इसका जो रेंज है यह बहुत ही ज्यादा दूर तक जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह कि इसको बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप इसको अभी का भी अपने घर पे बना सकते हो और इसके साथ आप लोग खेल सकते हो, इसके साथ आप लोग को खेलने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहे, चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे वेब शूटर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के एक पेपर को ले लिया है। तो दोस्तों ये कलर वाला पेपर है, आप इसके जगह पर नॉर्मल व्हाइट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको पेन की मदद से कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका रोल बना लेता हूँ और उसके बाद मैंने इसको फेविकॉल की मदद से चिपका दिया है। तो दोस्तों इसको इस तरह से बनाने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक और व्हाइट कलर का पेपर लिया है। दोस्तों इसका भी हम लोग रोल बना लेंगे, लेकिन दोस्तों हम लोग अपने पहले वाले रोल से इसको थोड़ा सा पतला बनाएंगे। तो इसको इस तरह से बनाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों अब इसके एक साइड को हम लोग कुछ इस तरह से थोड़ा सा मोड़ लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसको इस तरह से मोड़ने के बाद यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा स्टिक लेना है और इस स्टिक को कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा देना है और इसको धागे की मदद से बांध देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको धागे की मदद से बांध दिया है। तो दोस्तों ये वाला जो स्टिक है ये इसके अंदर कुछ इस तरह से आ जा सके, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर एक कार्डबोर्ड को कुछ इस तरह से कट करके एक डिज़ाइन को बना लिया है। तो दोस्तों ये मेरे हाथ के साइज का है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ब्लैक कलर की मदद से कुछ इस तरह से पेंट कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से इसको पेंट करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये वाला जो स्टिक है हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको लाएंगे और इसको फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका दिया है, तो ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक रबर बैंड ले लिया है। तो दोस्तों इस रबर बैंड को हम लोग इस स्टिक में कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको फंसाएंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसको इस तरह से फंसाने के बाद इस रबर बैंड को हम लोग कुछ इस तरह से इसके आगे वाले साइड से हम लोग यहाँ पर लाके इसको फंसा देंगे। तो दोस्तों अब आप लोग जैसे इसको पीछे से खींचोगे तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से प्रेशर के साथ आगे की ओर रिलीज होगा। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर एक और वाइट पेपर ले लिया है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको हम लोग फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैंने यहाँ पर एक धागे को ले लिया। दोस्तों ये धागे को हम लोग इसके अंदर डाल के इसको फेविक्विक की मदद से कुछ इस तरह से चिपका देंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने धागा लंबा लिया है क्योंकि हम लोग का जो वेब शूटर है ये बहुत दूर तक जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हाथ में पहनने के लिए मैंने इसके एक साइड में कुछ इस तरह से एक पिन लगा दिया, इसके दूसरे साइड में मैंने होल बना लिया है। तो दोस्तों इसको पहनने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग इसको लाएंगे और इस पिन को हम लोग अपने दूसरे वाले साइड में कुछ इस तरह से डाल देंगे, तो ये हम लोग के हाथ में इस तरह से पहना जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम लोग इस धागे को कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लोग को चिपका देना, मैं इसको भूल गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया है। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए सिंपल सा आपको पीछे की ओर से कुछ इस तरह से इसको खींचना है और इसको आगे की ओर से डाल देना। आप जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ जाएगा। तो दोस्तों आगे में एक दीवार है इसीलिए ये रुक जा रहा है, लेकिन आप इसको जब खाली जगह में चलाओगे तो दोस्तों ये बहुत ही दूर तक जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।